और यह पानी है जो कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये बन चुके आपकी बड़ी शवल जो कि आपकी हेबल को एकदम से इकट्ठा कर देगी। तो जी हाँ, मेरे माइनक्राफ्ट के निवासी, आज की वीडियो में आपको ऐसे बिल्ड हैक्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता थे। तो चलिए फिर बिना देरी की आपके वर्ल्ड को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं। क्या आप भी अपने बगीचे में कुछ ऐसे लैंप देखकर बोर हो चुके हैं? तो आइए इनको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना, आपको बैम्बू का फेंस लेने के बाद उसको दो लेयर ऊपर उठा दीजिए। ऐसे कुछ आपको दो बैम्बू फेंस लगाने के बाद उसके ऊपर आपको जो है कैंडल रख देनी है, वो भी ब्लैक वाली। ब्लैक वाली कैंडल रखने के बाद उसको आपको फ्लिंट कर देना है। ये देखिए कुछ ऐसे आपको उसको फ्लिंट करने के बाद ऐसे भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसके ऊपर आपको काफी ज्यादा अच्छी डिटेलिंग देनी है, उसके बाद आपको एक मोब लेना है, उसको जो आपको लीड करने के बाद इसके ऊपर कुछ ऐसे कर दीजिए। उसके बाद आपको मोब को अफसोस मारना पड़ेगा। देखिए मोब मरने के बाद जो है ना, आप देख पा रहे हो कि जो हमारी लीड थी यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। रात में देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, अगर आपके पूरे बगीचे में ये लग जाए आपको ये बिल्कुल समुराई वाली फील तो जरूर देगी। नंबर टू, आप पॉट को किसके लिए यूज करते हो? बस खाली ऐसे रखने के लिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। आप इसे काफी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूं बनाकर एक पिलर। आपको करना है कुछ ऐसे बना लेना है इसको, जितनी आपको हाइट चाहिए उतनी बनाने के बाद ये देख सकते हो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे अगर मैं इधर कर लेता हूँ, आपको ऐसे कुछ लगाने के बाद आप इसके नीचे से स्लैब भी लगा सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इससे क्या क्या बना सकते हो। आप बहुत कुछ अच्छा भी बना सकते हो, जैसे कि मैं कितना गंदा बना रहा हूँ, लेकिन आप इससे अच्छा भी बना सकते हो। जैसे कि ये देख पा रहे हो, ऐसे आप पिल्लर का या फिर गेट भी बना सकते हो डेकोरेट करके। बाकी आप इसे अच्छे अच्छे ट्री भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया, इसे काफी कुछ बन जाता है। बस ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप इसे क्या बनाते हो। नंबर थ्री, अगर आपके पास मेरे डोग जैसा एक स्वीट सेट होगा, उसके लिए आपको कुछ खाने के लिए बना के जिसमें आप उसको खाना परो सको। तो आइए बनाकर दिखाता हूं आपको कैसे आप डेकोरेटिव एक खाने का बाउल बना सकते हो। उसके लिए अगर आपने घर में कारपेट लगाया तो आपको ऐसे कुछ कारपेट तो लगा ही होगा ना, जैसे कि मैं बना रहा हूं, देख सकते हो ऐसे कारपेट आपका जो है लगा होगा। उसको करना है सेंटर से एक ब्लॉक तोड़ के उसके बीच में आपको एक पॉट रख देना है, उसके ऊपर कारपेट लगा दीजिए और ये बन चुका है। इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, चल जाओ इसके ऊपर चल। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि कैसे इसके आगे बाउल पड़ा हो, कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। अगर यार आप यहाँ तक पहुंच चुके तो प्लीज इस डॉग के लिए एक लाइक करना तो बनता है। जैसे कि भाई हमारे घर में भी टैब होती है, काश यार यहाँ पर भी होती, हमें नदी से पानी भरने ना जाना पड़ता। लेकिन भाई मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक टैब जो कि भाई आपका असली तो काम नहीं देगी, लेकिन आपको डेकोरेशन के लिए बहुत काम आएगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आपको फेंस लेकर उसको ऊपर तीन बढ़ा देना है, उसके बाद बनाने के बाद उसको एक को बाहर निकालने के बाद उसके नीचे आपको कुछ ऐसे लगा देना है। उसके बाद नीचे आप पोर्ट लगाओगे तो आपको लगेगा कि जैसे हमारा जो है पोर्ट वो भर रहा है पानी से, और यह पानी है जो कभी भी बाहर नहीं आएगा। नंबर फाइव, मैं तो इन ज़ॉम्बियों से लड़ के तंग हो गया, आइए अब प्रैक्टिस करते हैं सीधा एंडर ड्रैगन को पंच से मारने के लिए। लेकिन भाई मेरे पास तो पंच बैग है नहीं, तो मैं क्या करूंगा। आइए फिर मैं दिखाता हूं आपको कैसे बनाते हैं पंच बैग। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए आपको कोई भी वो लेनी है, उसको आपको 6 या 7 ब्लॉक एक्सटेंड कर देना है, जितना आपको लंबा चाहिए अपना पंचिंग बैग। उसके बाद आपको कुछ वॉल इधर को खींच देनी है, ताकि आपका जो बैग है वो एकदम से वॉल से ना चिपके। उसके लिए आपको ऊपर कोई डिजाइन डाल देना है, मैं तो ये वाला डालो सिंपल था, आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। उसके बाद चेन लटका देनी है जिधर से अपना पंचिंग बैग जो है नीचे आएगा। और ये लीजिए अपना पंचिंग बैग तैयार हो चुका है। इधर आप जी भर के मुक्के मार सकते हो, जितने चाहो उतने मुक्के मार सकते हो, लेकिन भाई ध्यान रखना इसको तोड़ मत देना। जैसे कि ये लीजिए भाई, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप चाहो कि आप असली में पंचिंग करो तो भाई ये तो इम्पॉसिबल है। नंबर सिक्स, वो फार्मिंग कैसे जिसमें कोई भी चीज खराब ना हो। भाई ये तो फिर अनरियल हो गया ना, चलिए इसको रियल बनाते हैं। उसके लिए आपको करना होगा एक पंपकिन ले लीजिए, जिसको कि हम असली बनाने वाले। ये रहा हमारा असली पंपकिन, उसके बाद आया ये हमारा नकली पंपकिन जो कि आपका खराब होगा, जिसके साइड पे आप लिकन लगा कर उसके ऊपर भी लिकन लगा सकते, जिधर से लगेगा ये खराब हो चुका है। देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, भाई ये तो रियल बिल्कुल लग रहा है, इसमें तो कोई दावा नहीं है कि ये रियल नहीं लग रहा है। नंबर सेवन, क्या आपके घर पे भी कोई दरवाजा भी लगाने वाले हो या फिर लगा ही नहीं है? तो भाई लगाने क्यों, मैं आपको बताता हूँ आप न्यू ट्रेंड का दरवाजा कैसे बना सकते हो। हैंगिंग साइन बोर्ड लेकर उसको एक को छत के ऊपर लगाने के बाद उसके बाद नीचे भी एक लगाना है आपको, कुछ ऐसे करके एक भी नीचे लगा दीजिए। उसके बाद आपको जो गेट तैयार हो चुका है, जिसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी या कोई नहीं आ सकता, लेकिन आप आसानी से जा सकते हो। इधर कोई नहीं देखेगा कि मेरे घर पे साइड पे छेद है तो इधर से आ जाएंगे। नंबर 8, भाई अगर हम इतनी हेबल इकट्ठी कर सकते हैं तो उसके साथ एक शवल रखने में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई हमारी शवल तो बहुत छोटी है, तो आइए फिर उसको बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, आपको हवा में कुछ दो फैंस कुछ ऐसे लगा दीजिए। हवा में लगाने नीचे वाला आप तोड़ देंगे, उसकी जगह हम लगाने वाले हैं साइन बोर्ड। ये वर्ड मिटाने के बाद ये बन चुकी है आपकी बड़ी शवल, जो कि आपकी हेबल को एकदम से इकट्ठा कर देगी। नंबर 9, क्या आप भी अपने गेमिंग सेटअप के लिए एक अच्छा सा टेबल ढूंढ रहे हैं? तो आइए दिखा दूंगा। उसको बनाने के लिए आपको कोई भी कलर का हैंगिंग साइन बोर्ड ले लेना, उसके बाद आपको कुछ ऐसे स्लैब लगाने के बाद उसके साइड में आपको साइन बोर्ड ऐसे लगा देना है। साइन बोर्ड लगाने के बाद जितनी आपको अपने टेबल की विच चाहिए उसके हिसाब से आपको दो स्लैब इधर भी लगा देनी है। मेरे को इतनी चाहिए तो मैं इधर लगाने के बाद
इधर एक साइन बोर्ड लगा दूंगा। उसके बाद आपको डन करने के बाद इसको भी तोड़ देना है। उसके बाद आपको फेयर वाला ट्रैप डोर लेने के बाद उसको इसके ऊपर लगा दीजिए जो कि इसके साथ मैच करता है। कोई देख पा रहे हो कि भाई हमारा एकदम से गेमिंग टेबल जो है तैयार हो चुका है। इस पर आप अपनी इस्त्री भी कर सकते हो कपड़ों की। आप इसे गेमिंग सेटअप का टेबल या फिर शॉपकीपर का काउंटर भी कह सकते हो। नंबर 10, अगर आपने भी ट्री हाउस बनाया तो उसकी चीप सी लैडर को हटा दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एकदम से असली वाली लैडर बना सकते हो, लेकिन भाई वो डेकोरेशन के लिए होगी। उसके बाद आपको पेड़ के हिसाब से कोई भी हैंगिंग साइन बोर्ड ले लेना जो कि आपके पेड़ के साथ मैच करे। उसके बाद आपको जाना है अपने पेड़ के पास, उसके नीचे से कुछ ऐसे साइन बोर्ड लगा देना है। उसके बाद उसके भी नीचे लगा दीजिए। आपको एक लैडर का पैटर्न देते जाना उसको नीचे के नीचे, और हमारी लैडर वर्क करने लग पड़ी है। देख पा रहे हो कि हमारी लैडर कितनी अच्छी लग रही है। आप इसके बीच कंट्रास्ट भी कर सकते हो, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हो, जैसे कि अलग अलग वुड का बना सकते हो। नंबर 11 गाइस, यार आपने पिग और पिगलिंग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पिगलिंग देखा है? उसके लिए आपको करना होगा, आपको एक चेरी वाला साइन बोर्ड लेने के बाद उसको कुछ ऐसे लगाने के बाद ऊपर चढ़ के एक ऊंची सी जगह पर चढ़ के आपको पिगलिंग वाला हेड उसके ऊपर लगा देना है। और ये बन चुका है हमारा जो है टाइनी पिगलिंग। इस पे आप अपना ब्रूट या पिगलिंग वाला गुस्सा तो जरूर निकाल सकते हो उसको कुछ ऐसे मार के। नंबर 12, अगर गाइस यार हम किसी को मार कर आते हैं या फिर कोई वो लड़ कर आते हैं तो उसकी हमेशा के लिए लाश वहां पर नहीं रहती, लेकिन अब से रहा करेगी, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एकदम से जो डेथ वाला माहौल आप बना सकते हो। उसके लिए आपको करना होगा, आपको कुछ हेड चाहिए होंगे, जैसे कि मैं एक ज़ॉम्बी का ले आया हूं, एक ले आऊं मैं पिगलिंग और एक ड्रैगन का ले आऊं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे कर देना कि जैसे लगे कि खून जमीन पे गिरा हुआ है। ये देख पा रहे हो कि ऐसा लग रहा होगा कि कैसे जमीन पे खून गिरा और काफी ज्यादा हाथापाई हुई हुई है इनके साथ। ये देख पा रहे हो ऐसा कुछ लग रहा होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम ड्रैगन को ऊपर लटकाने वाले हैं, जिससे अच्छा वाला जो आपका डेथ सीन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फैंस लेकर आपको कुछ ऐसा बनाने के बाद उसके नीचे जो आपको चेन लगा देने, कुछ ऐसे करके चेन लगा दीजिए ताकि थोड़ा सा लंबा लगे। ऐसे चेन लगा दीजिए, दो चेन लगाने के बाद उसके नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लगाते हैं एक डेथ, ये रहा। तो लीजिए गाइस यार हमारा 10 सीन जो एकदम से क्रिएट हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई हो। नंबर 13 गाइस यार, आपने टाइनी पिग भी देख लिया, आपने सिंपल पिग भी देख लिया, अब बारी आपके जायंट पिग देखने की। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है हमारा जायंट पिग। आपको कुछ ऐसे अप एंड डाउन स्टेज लगाने के बाद उसके ऊपर आपको दो स्लैब कुछ ऐसे लगा देनी है। उसके बाद आपको उसका फेस बनाने के लिए उसको कुछ ऐसे फेस दे देना है। उसके बाद उसकी आंखें बना दीजिए, इधर से एक आंख होगी, इधर से दूसरी आंख, इधर आपको उसका नाक लगा देना जो कि होगा हमारा चेरी बटन। चेरी बटन लगाने के बाद उसके नीचे पीछे भी उसकी पूंछ लगा दीजिए क्योंकि उसको बुरा लगेगा। और ये बन के रेडी हो चुका है हमारा पिग। तो भाई हमारा स्निफर भाई पीछे क्या सूख रहा है मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन हमारा पिग जो है रेडी हो चुका है। आप जो मर्जी करो मेरे को क्या। नंबर 14, अगर गाइस यार आपको किसी को गिफ्ट देना है तो जरूरी होता है कि हमारा गिफ्ट जो है एकदम से बाहर से आना चाहिए, लेकिन भाई हमारी माइनक्राफ्ट में तो कोई बाहर है नहीं। तो आइए मैं बता दूं कि आपको कैसे आप एकदम से एक्सपोर्ट वाला फील दे सकते हो अपने गिफ्ट को। आइए देखते हैं उसके लिए आपका कौन सा भी गिफ्ट है उसकी साइज आपको ले लेना है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको अभी 3x3 का बनाकर दिखा रहा हूं, आप इससे बड़ा भी बना सकते हो। उसके बाद आपको इसकी पूरी साइड पे बैम्बू साइन लगा देने हैं, कुछ ऐसे करके बैम्बू साइन लगा दीजिए जो कि एकदम से लगे कि पैक हुआ हुआ है। उसके बाद आपका गिफ्ट कुछ ऐसे लगेगा कि जैसे अभी एक्सपोर्ट होकर आया हुआ है। तो लीजिए कर लीजिए अपने फ्रेंड को सरप्राइज, चाहे वो मित्र हो या फिर मित्रानी, चलो कर लो भाई। तो जी हाँ मेरे माइनक्राफ्ट निवासियों, आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन आप कमेंट करना मत भूलिए कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। कमेंट करते रहिए क्योंकि मेरे को आपको कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।